देवो के देव महादेव। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे में गंदा लड़का बोले सब, ऐसे में सब आपको गंदा लड़का। तो गाइस जैसा कि अभी आपने वीडियो में देखा, टायर जो अपना वो खराब हो गया है, वो टायर पंचर नहीं हुआ, टायर फट गया। सीहोर से जब उज्जैन के लिए निकले तो सीहोर से 50 किलोमीटर क्रॉस करने के बाद 50-60 के आसपास पेट्रोल पंप से जस्ट 50 मीटर पहले हमारी गाड़ी का टायर पंचर नहीं हुआ, पूरा का पूरा फट गया। और देखो आप कि माँ काल की कृपा है कि एक्चुअली पेट्रोल पंप के पास फटा, अगर आगे निकल गया उधर तो परेशान हो जाते। हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे थे, फैमिली थी, और आउटसाइड में जब आप ट्रैवल करते हो तो 20-20, 40-40 किलोमीटर कुछ नहीं होता, लेकिन जस्ट पेट्रोल पंप के पास टायर फटा। पेट्रोल पंप वाला मुझे टायर वाले के पास लेके गया, फिर टायर वाला मुझे जहाँ नया टायर मिलता है वहाँ ले गया, वहाँ से हमने नया टायर परचेस किया, आके उसको फिर रिप्लेस किया। और ये सब काम में 1 से 1.5 घंटा हमारा गया, लेकिन आप सोचो मेरा काम हो गया, एक बहुत बड़ी बात है। और कितना पैसा लेना चाहिए टायर वाले ने सर्विस चार्ज, या उसने इतना मेहनत किया तो उसने कितना पैसा लिया, आप विश्वास नहीं करोगे, 150। और जब मैंने उसको एक्स्ट्रा पैसा दिया तो उसने बोला नहीं, आप महाकाल जा रहे हो तो मैं उससे एक्स्ट्रा पैसा नहीं ले सकता। तो सब महाकाल की दया है, मेरे साथ ऑलरेडी पहले भी 1-2 बार ऐसा हो चुका है, मैं महाकाल जा रहा हूँ या आ रहा हूँ तो बहुत बड़ी बड़ी ट्रेजेडी हुई है जो कि इजी वे में आराम से निकल गई है। तो यही है कि आप सच्ची श्रद्धा से जाओ तो महाकाल हर जगह खड़े हो जाते हैं। और मुझे तो काफी अच्छा, ऐसा काफी अच्छा फील हुआ यहाँ पे। नुकसान हुआ लेकिन फिर भी पैसा भी जाके टाइम लग के भी आप इजी वे में अगर किसी प्रॉब्लम से निकल जाओ तो बात ही अलग है। तो चलो आप पहले ये मुझे बताना जरूरी लगा इसके लिए मैंने आपको ये चीज़ बताया। अब आगे आप वीडियो देखिए और मजे लीजिए फिर महाकाल के जो पूरा जर्नी था हमारा उसका। रात के 11 बज चुके हैं और अब हम लोग महाकाल पहुंचने वाले हैं। तो महाकाल पहले पहुंचते हैं, रूम लेते हैं और उसके बाद फिर आराम करते हैं और कल सुबह मिलेंगे, क्योंकि रात में ऐसा कुछ खास है नहीं। नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल। तो हम हैं, सुबह के बज रहे हैं 9 और हम हैं महाकाल की नगरी उज्जैन में, और ये पीछे हमारी गाड़ी है और ये रूम हमने यहाँ पे लिया हुआ है जो कि एक पंडित जी रात को मिले थे, उन्होंने दिलवाया है, उनका ही है। और अभी जा रहे हैं कुछ चाय पानी लेने, और उसके लिए स्कूटी भी मिल चुका है तो यहाँ का स्कूटर भी चलाते हैं थोड़ा। और अब यहाँ से नहा वगैरह के थोड़ा फ्रेश होके मंदिर जाने का प्लान है, और फिर आपको मैं बताता हूँ कि मंदिर में अभी क्या सिस्टम है और कितना गर्दी है, क्या हो रहा है। तो चलिए फिर निकलते हैं हम कुछ नाश्ता पानी के लिए, और फिर नहाएंगे और फिर निकलेंगे मंदिर की ओर। चलिए, जय महाकाल। जय महाकाल दोस्तों। तो अभी सुबह के बज चुके हैं 10 और मैं फ्रेश होके रेडी हो चुका हूँ, और हम लोग जो रुके हैं मैं आपको आपका लोकेशन बताता हूँ। ये है हटकेश्वर महादेव मंदिर के पास जो कि पीछे दिख रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ जाते वक्त वापस। अभी मैं कुछ सामान लेने के लिए बाहर आया हूँ, और यहाँ से अब सबसे पहले एक टेम्पो वगैरह बुक करना है, क्योंकि खुद का गाड़ी लेके घूमना यहाँ बेवकूफ़ी है, आप परेशान भी हो जाओगे, आपको पता नहीं अगर नहीं है तो कोई टेम्पो बुक करेंगे और फिर पूरा दर्शन करेंगे टेम्पो से, टेम्पो या कोई भी गाड़ी मिल जाएगी। तो यही है हटकेश्वर महादेव, श्री राधा रमन द्वार, ब्राह्मण समाज का धर्मशाला भी है पीछे। अच्छा रूम मिला हमको, ये पंडित जी ही हैं तो उन्होंने हमको 1500 में दिया है, 2 रूम है, टॉयलेट बाथरूम भी अच्छा है, रूम भी दिखाता हूँ अभी। तो चलो पहले अभी कुछ जो सामान लेना है लेते हैं, टेम्पो वगैरह का बात करते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं। जहाँ हम रुके हैं ना दोस्तों, वहाँ का ये मंदिर है श्री हटकेश्वर महादेव, तो चलो आपको दर्शन करवाता हूँ पहले। ये श्री हटकेश्वर महादेव मंदिर, और यहाँ से जहाँ हम रुके हैं वहाँ का घर, ये एक होम स्टे टाइप है, ये अपनी गाड़ी और ये पंडित जी। ये अपना रूम, ये विराट आराध्या, इधर देखो कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो विराट, कहाँ जा रहे हो?
गाड़ी में पेट्रोल ले जा रहा हूँ। वीडियो भेजिए फटाक करके। डायरेक्ट है ना अपना? डायरेक्ट है ना? डायरेक्ट है गुइया नाने का। वीडियो भेजिए फटाक करके। तो हमने उज्जैन घूमने के लिए इलेक्ट्रिक ऑटो बुक किया है जो कि हम लोग को मिला है 800 में सारे जन के लिए, 7 लोगों के लिए, पूरा दिन घुमाएंगे। ये अपने उज्जैन के सब तीर्थ स्थान, और पहले यहाँ पहुँच चुके हैं हम लोग प्राचीन गुफा। तो हमने इस प्राचीन गुफा से शुरुआत किया है उज्जैन दर्शन का। इसके बाद फिर गढ़कालिका जाएंगे, और गढ़कालिका के बाद जाएंगे काल भैरव, काल भैरव के बाद मंगलनाथ, और मंगलनाथ के बाद जो कृष्ण भगवान ने जहाँ पे एजुकेशन, जहाँ पे उनकी पढ़ाई हुई है, वो आश्रम जाएंगे, वो भी उज्जैन में है। तो चलो पहले दर्शन करते हैं। प्राचीन गुफा काफ़ी अच्छा है दर्शन करने के लिए। यहाँ पर मंदिर में आपको एक गुफे में अंदर नीचे की तरफ जाना पड़ता है, और वहाँ पर नीचे शिवलिंग है और बहुत सारे भगवान हैं। ये अपना दूसरा मंदिर जो है कि गढ़काली का मंदिर। ये अपने गढ़काली का मंदिर दर्शन पूरा हो चुका है, और अब यहाँ से निकलेंगे नए मंदिर की ओर, जो दूसरा मंदिर है, दूसरा अपना डेस्टिनेशन है वहाँ पे। ये पीछे मंदिर, गढ़काली का दर्शन करने के बाद अब पहुँचे हैं काल भैरव, और यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा लाइन है, बहुत ज़्यादा गर्दी है, और यहाँ पे कुछ पास वाला भी सिस्टम नहीं है कि पास निकालो और दर्शन कर लो। तो जितना टाइम लगना है लगेगा ही, हम लाइन में हैं तो करीब 2 से 2.5 घंटा 3 घंटा तो लगना ही है यहाँ पे, मुझे ऐसा लग रहा है। तो फाइनली मंदिर के अंदर एंट्री हो चुका है अपना, करीब 2-2.5 घंटा लाइन लगाने के बाद। और यहाँ की मान्यता है कि यहाँ भगवान को दारू चढ़ता है और भगवान दारू पीते भी है, लेकिन एक्चुअली ये है कि अगर आपको दारू छोड़ना है तो आप दारू लेके आओ, उनको चढ़ाओ और आप यहाँ पे छोड़ दो। लेकिन लोग क्या करते हैं, चढ़ाते हैं और प्रसाद की तरह लेके जाते हैं और फिर रात को पार्टी करते हैं। बाकी लाइन तो बहुत है। तो 3.5 घंटे लाइन लगाने के बाद तो हमारे दर्शन हो चुके हैं। तो कैसा लग रहा है दर्शन करके? अच्छा लग रहा है। हमें महाकाल राजा अपने पिता के पास जाने हैं कुछ नाश्ता पानी करते हुए, और अपने पिता के शरण में जाना है। महाकाल राजा मेरे पिता है, मैं उनका पुत्र हूँ, बस उनके अंगुली पकड़ के चल रहे हैं दर्शन करने। हरा हरा महादेव, गुरु महाकाल राजा की जय, काशी विश्वनाथ की जय, त्रिपुरेश्वर महादेव की जय। हम लोग हैं अभी सिद्धेश्वर महादेव मंदिर में ना, और यहाँ से निकलेंगे तो कहाँ जाएंगे? दूसरा नदी चले चले। हाँ चलो, मजा आया। ये अपना चौथा जगह था जहाँ अपने आपको आना था, सिद्धेश्वर महादेव। और यहाँ से अब निकल के अब कहाँ जाना है पता नहीं, अब जहाँ ले जाएंगे ड्राइवर साहब वहाँ जाएंगे। बाकी यहाँ बाजू में जो पीछे नदी है छिपरा नदी, वो काफ़ी खूबसूरत है। चलो अब आगे मिलते हैं। तो गाइस फाइनली हम पहुँच चुके हैं मंगलनाथ मंदिर, जैसा कि आपको दिख रहा है मंगलनाथ मंदिर का द्वार, और सूर्यास्त होने का टाइम हो चुका है। अब दर्शन करते हैं यहाँ से और फिर निकलते हैं। बजाओ। इस मंदिर की मान्यता है कि जो भी मांगलिक है अगर वो आके यहाँ पूजा कर ले तो जो उसके मांगलिक का उसके जिंदगी पे असर होता है वो हट जाता है। इसके लिए ये मंदिर का नाम मंगलनाथ मंदिर है। मांगलिक लोग के लिए काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे पूजा करना चाहिए। ये देखो हम कहाँ पहुँच गए, महर्षि संदानी आश्रम में। यहाँ पे कृष्ण भगवान का ना ये हुआ है, पढ़ाई हुआ है। और इस आश्रम में आके आपको काफ़ी पीस फील होगा, काफ़ी शांति है यहाँ पे, बहुत आपके एक माइंड को एक स्पिरिचुअल एहसास होगा, और शांति तो अलग लेवल की है, अलग ही एहसास है यहाँ पे आने का। और अब आश्रम दर्शन करने के बाद फाइनली महाकाल के मंदिर में अब दर्शन के लिए हम आ चुके हैं, जो कि नॉर्मल लाइन में लगे हैं विदाउट पास,
और गर्दी तो फिलहाल दिख नहीं रहा, गर्दी नहीं है। बम बम भले, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। तुम भी बढ़ गया काम है ठीक है। प्यारे दोस्तों, और अपने को फाइनली महाकाल दर्शन दर्शन हो चुके हैं, जो कि बहुत अलौकिक और बहुत अद्भुत है। मोबाइल बंद करके आगे बढ़िए। बंद कर दे रहे, बंद कर दे रहे, यहाँ मोबाइल यूज़ करना अलाउड नहीं है, लेकिन फिर भी अपन आपके लिए थोड़ा बहुत यूज़ करके दिखा रहे हैं। देखो, और गर्दी थोड़ी भी नहीं है, 15 मिनट में हमारा लाइन नॉर्मल लाइन में हो गया। अभी आज के दिन तो आज है 18 अगस्त 2023। जय महाकाल। बहुत मज़ा आ गया, देखिए बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया। और अब महाकाल दर्शन के बाद हम आ चुके हैं महाकाल कॉरिडोर में, जो कि बंद हो चुका था। एक्चुअली इसका टाइमिंग 9:30 बजे का, 9:30 बजे बंद हो जाता है, लेकिन हमको फिर भी यहाँ आने का मौका मिला, क्योंकि हमारी जो गाड़ी है वो कॉरिडोर पार्किंग में खड़ी है, और कॉरिडोर पार्किंग में जाने के लिए जो रास्ता है वो कॉरिडोर होके ही जाता है मंदिर से, अगर आपको कॉरिडोर पार्किंग में जाना है तो। तो अगर आपको लेट हो गया और कॉरिडोर दर्शन करना है, तो आप पार्किंग अपने गाड़ी का कॉरिडोर पार्किंग में करो, और वहाँ से ऑटो पकड़ के मंदिर दर्शन के लिए आओ, और फिर आपको जाने के लिए कॉरिडोर होके ही जाना है। तो देखिए, अब कोई नहीं है, सिर्फ हम लोग हैं जो कि मतलब मंदिर से कॉरिडोर पार्किंग तक की तरफ जा रहे हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब महाकाल दर्शन होने के बाद अब हम लास्ट में रुके खाना खाने के लिए, क्योंकि मिलने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन महाकाल की दया से मिल गया। और वो भी खाना देखिए कितना अच्छा है, फुल इंडियन थाली, वो भी बहुत अच्छा टेस्ट है। सबका दर्शन हो गया, अब सब थक भी गए, लेकिन सब खुश हैं बहुत। खाना कैसा है? अब जाएंगे अपने रूम पे, जहाँ रात में रुके थे आज वहीं रुकने का प्लान बन गया महाकाल की दया से। हमारा प्लान तो जाने का था, लेकिन पिता महाकाल के चरणों की कृपा से अच्छा खाना, और कल सुबह देखते हैं क्या प्लान बनता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, जय महाकाल।